ऑफिस में मंगलवार को बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस नेता कमलेश खंडेलवाल की धोखाधड़ी की शिकायत लेकर पहुंचे। इनके हाथों में तख्तियां थीं जिन पर लिखा था कि कांग्रेस के गुंडे 420 कमलेश खंडेलवाल से हमें बचाओ, भूमाफिया कमलेश खंडेलवाल से हमारे प्लॉट दिलाओ। बड़ी संख्या में पहुंचकर लोगों ने कलेक्टर में अधिकारियों के आगे फरियाद लगाई है। कलेक्टर के जनसुनवाई के मामले तो कई आए हैं, लेकिन सबसे बड़ा मामला कांग्रेस नेता कमलेश खंडेलवाल की धोखाधड़ी का आया है। कई पीड़ित लोग पहुंचे थे जिन्होंने कमलेश खंडेलवाल को 420 धोखेबाज बताया है। पीड़ित अपने हाथों में तख्तियां लाए थे जिसमें कहा गया कि कांग्रेस के सफेदपोश गुंडे कमलेश खंडेलवाल से हमें बचाओ। कलेक्टर पहुंचे पीड़ित किसी एक कॉलोनी के नहीं बल्कि कई कॉलोनियों के थे। पीड़ितों के मुताबिक कमलेश खंडेलवाल के संरक्षण में उसके छोटे भाई दिनेश खंडेलवाल ने अन्य लोगों के साथ मिलकर ईशा कॉरिडोर नामक कॉलोनी काटी। छोटा बागरदा पंचायत भवन के पीछे की इस कॉलोनी का विकास शुल्क 8 साल पहले वसूल लिया गया, लेकिन विकास नहीं किया गया। गिरिराज डेफकॉन को 2017 में नगर निगम ने नोटिस भी दिया गया था, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। पीड़ितों का कहना है कि कमलनाथ सरकार के भूमाफिया अभियान में भी कलेक्टर, संभागायुक्त सहित तमाम अधिकारियों को शिकायत की, लेकिन कांग्रेस सरकार में 420 कमलेश खंडेलवाल बच गया। अब शिवराज सरकार से लोगों को बड़ी आस है। पीड़ितों ने तमाम शिकायतों के बंडल अधिकारियों को सौंपे। उन्होंने बताया कि खंडेलवाल पर 420 का मामला दर्ज हो चुका है जिसका लेन देन करके खात्मा करवा लिया। पीड़ित लोगों ने शिकायत में बताया कि बड़वाहा में भी कॉलोनी काट कर ये लोग धोखाधड़ी कर रहे हैं। कई कॉलोनियों की शिकायतें करते हुए कमलेश खंडेलवाल को लोगों ने भूमाफिया बताया है। जो भी बंधक प्लॉट रखे होंगे उस पर कार्रवाई भी करेंगे। इसके इतर बोल रहा हूँ कि अगर सोसाइटी के जितने भी लोग मिलकर के अपने कब्जे लो अपने प्लॉट पर और समिति बना करके और निर्माण कार्य जो रहेगा वापस करके रहना। देखिए ये अभी कुछ रहवासी आए थे, 2 या 3 कॉलोनी के उन्होंने आवेदन दिए हैं जो कि हमारे छोटा बंगरदा क्षेत्र की कॉलोनी है, और उनके द्वारा अवगत कराया गया कि कमलेश खंडेलवाल जी के विरुद्ध उन्होंने शिकायतें की हैं। वे कहा है कि इनके द्वारा कुछ कॉलोनी काटी गई हैं जिसमें कोई विकास कार्य नहीं हुए हैं, और उनकी जाँच चूँकि छोटा बंगरदा क्षेत्र मल्हारगंज SDM के क्षेत्र अंतर्गत आता है उनको दिया गया है। अगर उसमें कोई जैसा कि विकास के कार्य अपूर्ण पाए गए या और भी कोई अनियमितताएं पाई जाती हैं तो जांच प्रतिवेदन के उपरांत कठोर कार्रवाई की जाएगी। और ईशा कॉरिडोर के साथ में लोग आए हुए हैं हमारी कॉलोनी में। एक तो क्या खुले में पानी बह रहा है, काफ़ी दिनों से समस्या हो रही है जिसका कोई निराकरण नहीं हो रहा। साल भर पहले भी हम कलेक्टर साहब से मिले थे और हमारे वोटर ID कार्ड जो हैं वो गलत पते पर बने हुए हैं। पता कॉलोनी का गलत है क्योंकि परिसीमन में हमारी कॉलोनी उसमें है ही नहीं निर्वाचन आयोग में। इसके लिए पहले भी शिकायत दे चुके हैं। उसके बाद गंदीवाड़ा कॉलोनी में बहुत है, सफाई के नाम पे लोग कहते हैं लेकिन हम लोग कई बार शिकायत कर चुके हैं। विधायक महोदय के द्वारा भी लेटर JDO साहब को और नगर निगम में और कलेक्टर साहब को दे चुके हैं, लेकिन अभी तक गंदीवाड़ा कोई साफ नहीं हो रहा। मेन रोड से लेकर पीछे आप देखोगे तो गंदगी का अंबार भरा हुआ है। आज 30-40 लोग हम लोग आए हुए हैं दोनों कॉलोनियों से, ईशा कॉरिडोर और ईशा एवेन्यू से, लेकिन समस्या अभी भी SDM साहब ने आश्वासन दिया है कि भाई कार्रवाई होगी। सफाई के लिए भी कॉलोनाइजर से भी पूछा जाएगा भाई पेपर वगैरह कहाँ है, क्यों सबमिट नहीं हो रही है। इसके लिए हम लोगों ने निवेदन उनसे करा है। कितनी कॉलोनियाँ अभी दो हैं, तीन कॉलोनियाँ बता रहे हैं। हाँ साहब, तीन कॉलोनी बता रहे हैं लेकिन दो कॉलोनी के रहवासी हैं, ईशा कॉरिडोर और ईशा एवेन्यू। आश्वासन यही है कि जल्द से जल्द काम हो जाए तो रहवासी सुखी हो जाए, नहीं तो ये परेशानी और बीमारियाँ दिन भर फैल रही हैं। बच्चों को रोज़ अस्पताल ले जाना पड़ रहा है हमको, आए दिन पीछे झगड़े होते हैं क्योंकि पीछे वाले कंप्लेंट करते हैं, वो किसी दिन पत्थर फेंक जाते हैं, कभी मुरम डाल जाते हैं। अब जिसकी वजह से घरों में से पानी निकल रहा है, नगर निगम वाला थे कोई 500 रुपये ले जाता है, कोई 1000 ले जाता है, उसके बाद भी काम कुछ नहीं हो रहा। आपकी बात जो आपकी सुनवाई नहीं हुई, आगे क्या कार्रवाई होगी? आगे CM साहब के पास जाएंगे हम तो, सीधे कार्रवाई हो। आपका परिचय? सुनील रघुवंशी। जाना उधर बाहर से
जो रिपोर्ट वॉइस ऑफ राइट।